जर्मनी आने का क्या क्या ऑप्शन है, जर्मनी आप कैसे आ सकते हो, कौन से वीज़ा पर? हाई गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मन की रतन जैस्मिन। मैं हूँ जैस्मिन और मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं जर्मनी के रिलेटेड कॉन्टेंट बनाती हूँ। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड फॉलो अस फॉर मोर सच। आपके लिए कौन सा वीज़ा सही है या नहीं, ये काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो हमें दिखते हैं। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी देखा है, लोग कॉमेंट करके पूछते हैं कि क्या ये ऑप्शन सही है, क्या ये ऑप्शन सही है। तो डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करें। सबसे पहले अगर आपका प्लान है जर्मनी आने का, तो फर्स्टली आपको ये बताना होगा कि आपका शॉर्ट टर्म प्लान है या लॉन्ग टर्म प्लान है। तो शॉर्ट टर्म वीज़ा, जिसे हम शेंजन वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा भी बोलते हैं, जो 90 डेज़ के लिए आपके लिए वैलिड होता है, तो शॉर्ट टर्म वीज़ा में ये होगा कि आप जर्मनी एंड अदर EU कंट्रीज़ में विजिट कर सकते हो, बट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन और अ फिक्स स्पैन ऑफ टाइम, कि 6 महीने की वैलिडिटी का वीज़ा आपको मिलता है, उसमें से 90 डेज़ आप यहाँ पर कंटिन्यूस रह सकते हो। तो ये होता है वीज़ा जनरली जब आप अपने किसी रिलेटिव को या घूमने के पर्पज़ से यहाँ पर। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वीज़ा जो होती है लॉन्ग टर्म वीज़ा। अब जर्मनी के लिए अगर आप देख रहे हो तो एक वेबसाइट है, मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी साथ में डालूंगी। जब आप इस पे जाओगे तो आपको क्वेश्चनर आएगा, लॉन्ग टर्म स्टे, शॉर्ट टर्म स्टे या फिर और भी ऑप्शंस आएंगे आपके। तो आप जब लॉन्ग टर्म स्टे पे जाओगे तो लॉन्ग टर्म स्टे में आपसे आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन होगा कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, तो आप वो चूज़ कीजिए। उसके बाद होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जर्मनी आने का। तो जर्मनी अगर आप वर्क रिलेटेड आना चाहते हो, आप काम करने के लिए आना चाहते हो, तो डिफरेंट ऑप्शन है ब्लू कार्ड वीज़ा। तो ब्लू कार्ड वीज़ा के रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बताया है कि ब्लू कार्ड वीज़ा क्या है, ब्लू कार्ड का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो ब्लू कार्ड लोगों को मिलता है, शॉर्ट में मैं इस वीडियो में बताती हूँ, जिनके पास एक जॉब ऑफर होता है और जॉब ऑफर का जो सैलरी होती है वो एक पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा होती है, तो वो लोग एलिजिबल होते हैं ब्लू कार्ड वीज़ा के लिए, एंड दोज पीपल कैन कम टू जर्मनी हैविंग अ वर्क वीज़ा विच इज़ अ ब्लू कार्ड वीज़ा। तो ये होता है लॉन्ग टर्म स्टे का एक वर्क करने का। अगर आपकी सैलरी इस थ्रेशहोल्ड से कम है तो आपको एक वर्क परमिट मिलेगा, और वर्क परमिट आप ले सकते हो। अगेन ये भी एक लॉन्ग टर्म स्टे है, आपके सैलरी पे, आपके ऑफर लेटर पे, आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको वीज़ा कितने टाइप के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे जो यहाँ पर आकर जर्मनी में आकर जॉब मार्केट में अपने लिए अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से या अपने रिसर्च के हिसाब से जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो वो भी एक कैटेगरी ऑफ वीज़ा होती है जिसे बोलते हैं जॉब सीकर वीज़ा। तो जॉब सीकर वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास रेलिवेंट मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड ये 6 मंथ्स के लिए आपको वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है बाय द जर्मन गवर्नमेंट, जिसमें आपको 6 मंथ्स का टाइम होता है कि आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हो। तो ये 3 वीज़ाज होते हैं मोस्टली जो जॉब के रिलेटेड होते हैं। अब इन वीज़ाज़ के बारे में डिटेल में, इनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या डॉक्यूमेंटेशंस इन्वॉल्व होगी, मैं सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप ज़रूर उन लिंक्स को चेक करिएगा और अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे, आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं उस कैटेगरी को ज़रूर चेक कीजिए। नेक्स्ट जो लॉन्ग टर्म में एक ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं फैमिली रीयूनियन वीज़ा। अब फैमिली रीयूनियन वीज़ा में क्या होता है, इफ़ फॉर एग्जाम्पल योर स्पाउस स्टेज इन जर्मनी एंड यू वॉन्ट टू कम एज अ डिपेंडेंट विद योर टू योर स्पाउस, इफ़ योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों के लिए भी अप्लाई होगा अंडर 18, उनके लिए भी यही वीज़ा होगा। तो इसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होता है वो भी आपको सारी जर्मनी की जो वीज़ा diplo.de वेबसाइट है उस पर क्लियरली मिल चुकी है। तो ये हमने अभी तक बात करी वर्क रिलेटेड वीज़ाज़ के बारे में एंड फैमिली रीयूनियन वीज़ा के बारे में। अब नेक्स्ट जो जर्मनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपने अच्छे एजुकेशन सिस्टम और ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन, जो कि कुछ यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या फिर बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन ऑफ जर्मनी की इतनी अच्छी एजुकेशन लेने के लिए यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, तो उस कैटेगरी के लिए वीज़ा आता है स्टडी वीज़ा। तो अगर आप जर्मनी में आकर पढ़ाई करना चाहते हो, बैचलर्स करना चाहते हो या मास्टर्स करना चाहते हो, तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे स्टडी वीज़ा लेने के। अब एग्जैक्टली आपको उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स
प्रोवाइड करनी है या क्या आपके पास जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए या नहीं, वो डिपेंड करेगा आपके कोर्स रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज पर रिसर्च करो एंड वहाँ पर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसे फुलफिल करो एंड देन यू विल बी एबल टू हैव स्टडी वीज़ा फॉर जर्मन। स्टडी के अलावा एक और ऑप्शन होता है जो होता है रिसर्चर्स के लिए। तो कुछ लोग जो रिसर्च के लिए जर्मनी में आना चाहते हैं, अपने फील्ड वर्क के लिए जर्मनी में आना चाहते हैं, तो वो एक और वीज़ा होता है जिसे रिसर्च वीज़ा बोलते हैं। तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ के यहाँ पर आप आकर रिसर्च कर सकते हो एंड आगे आप उसे लॉन्ग टर्म यहाँ पर रह भी सकते। और एक और ऑप्शन आता है वोकेशनल ट्रेनिंग। तो वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है ऑस्पिल्डुंग जिसे बोलते हैं, उसके रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे हमें वीडियो में, तो वो भी एक अच्छा वीज़ा के लिए ऑप्शन है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड स्क्रीन पे मैं इसके रिक्वायरमेंट्स भी आपको बता दूँगी एग्जैक्टली क्या है। भी वीज़ा ऑप्शंस हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी, बट अभी इस वीडियो के लिए यही दो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया थे जो मैं शेयर करना चाहती। तो जर्मनी के रिलेटेड अगर आपको वीज़ा के कुछ क्वेश्चंस हो या जर्मनी में आप जब आना चाह रहे हो तो आपको डाउट्स हो, तो जर्मनी ने ना बहुत अच्छी अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, visa.dipro.de, मेक इट इन जर्मनी, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या सारा प्रोसेस है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं जो आप ज़रूर देखिएगा। एक और टिप मैं देना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग या फिर तो आप ज़रूर फेसबुक पे जो पेजेस होते हैं या आप व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, तो वहाँ पर अपने क्विक रिजोल्यूशन ऑफ आंसर्स के लिए क्वेश्चन पूछा कीजिए। एंड अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में भी लिखना, अपने नॉलेज के हिसाब से आपको आंसर करने की ज़रूर कोशिश। सो आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल रही हो एंड आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुई हो कि आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो कि जर्मनी आना आपके लिए कैसे पॉसिबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।